खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। परम सरमान आवर साहेब कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलियुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साढ़े सारयां दे सिर ते मरहमतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवें दिन की जो नवें जन्म समान है शाम अजीज़ उल नवाज गनीम उल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुकद्दस कदमां दी खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी दी मेहर सदका सोदर चौंकी दे गायन हर कीरत हमरी रह रास आरती अरदास ते फिर महाराज जी दे बचन खास हुक्मनामे दे महान रतन नुमा बोल आपने झोली च पाए हन। ये सागर सोई तरह जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै वडभागी पाए। कुछ समा होर सतगुरु पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी दे महान परोपकारमई उन्हां दियां यात्रावां उन्हां दे परोपकार उन्हां दे बचन जो जीवन दे 70 साल उन्हां ने दुनिया दे वख वख कोणियां च जा के जो ताके मार्ग में आए ते कबहू ना पाप संताए दुनिया तो पाप पाखंड निवारण ते परपकार प्रभु निरंकार दे नाम नू प्रचारन लई वड़ियां यात्रावां कीतियां कौड़ियां दे कड़ाहे शांत कीते रेठियां दी कड़वाहट दूर कीती ठग्गां नू सज्जण बनाया और इस तरह दे नाल अनेकां ही परोपकार कीते। जीवन दे आखरी 18 बरस आपने करतारपुरी विच बयान बिताते बतीत कीते ने उत्थे पार ब्रह्म परमेश्वर दी संगत नू पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम नाल जोड़दे रहे। ये जीवन का एक मकसद है बई ननकाने तो चल के करतारपुर तक पहुँचना भाव गुरु नानक का नाम लैके ते करतार तक पहुँच जाना करतार विच रसाई हासिल करना। महाराज जी ने हुण पिछले कुछ दिनों तो ऐसा रसना तो फरमान किया भई असी हुण चले जाना। ये पावन कथा आप प्रेम सहित सरवण करते आ रहे हो अनेक दैवी शक्तियां ने महाराज की वड्याई की गुणगान किया ते सेवकां ने आसन विछा दिता तमाम संगतां दे बैठण लई कुशा दब आदक जिहड़ा कोमल घा हुंदा है वो थले विसा के उपर दरियां विसा के
संगतां दे बैठण लई सूखम जिहड़ा सी ना मुलायम अस्थान तैयार किया गया। इतने नू धन धन मात सुलखणी जी आए ने, उन्होंने महाराज जी दियां तीन प्रदक्षणा परिक्रमा कीतियां, मत्था टेकिया, कोल बैठे, ये विचार आपने सरवण कीती। अगली विचार गुरु दीदार दा बायस बन सके, एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली पै सके। इसलिए जितने माता प्राता हाजरीन हाजरी भर रहे हो, पेशतर छोटी जी ध्यान साधना है, दोवे हथां नूं हिरदे दे सामने जोड़ दिया, नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस अपनी सुरत नूं करतारपुर लै चलीए, ते महसूस करिए कि साडा सीस गुरु नानक देव जी दे श्री चरण कमलां ते टिकिया है, ते साहिब जी ने मेहर भरिया हथ साढ़े सिर ते रख्या होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदिया चरण चुमदिया आ, गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, बोहर सुलखनी आए बंद कर बंदर कीनी। बहुत सारिया संगतां दूर दराज तो जिन्हां नूं पता चलिया भई महाराज ने बचन किया है, शरीर का परित्याग कर देना है, और ये अजे नहीं दस्या भी दूजा शरीर धारण करना। जिन्हां जिन्हां मनाल महाराज जी का संबंध बनिया, संगत बनी, दीदार का जिन्हां नूं मौका मिलिया, उन्हां दे नेत्रां चो हंजुआं दियां लड़ियां चल पईयां, और अवस्था इहो जिही बन गई बई जिस प्यारे स्यों न्यो तिस आगै मर चली है त्रिग जीवन संसार, ताके पाछै जीवना वो सब कुछ छड के ते महाराज जी दे अंतम दर्शना लई संगतां आ पहुंचियां। महाराज जी ने अनेकां ही बचन किते और दैवी दिव्य शक्तियां ने महाराज का गुणगान किया, ते तन तन मात सुलखणी जी भी आ पहुंचे हन। मन अधीन हवै दीन तीन पर दर्शन दी। बड़ी विनम्रता नाल तन तन मात सुलखणी जी, जिन्हां बारे दास अक्सर गुजारिश करता रहिंदा है भई उन्हां दा नाम भी सुलखणी है ते सुभाव भी सुलखणा है। सारी जिंदगी उन्होंने अपने पति परमेश्वर गुरु नानक देव जी की शान के खिलाफ एक शब्द की बोलना है, एक अक्षर भी नहीं बोलते। ते जद महाराज गुरु का बाग सुल्तानपुर विखे निवास रखते हैं, उत्थे महाराज जी दे दो साहबजादियां दा जन्म भी होया, ते कई कई दिन मोदी खाने तो घर नहीं आते, ते मात सुलखणी इतने अदब च रहिंदे ने बई ये भी आप नहीं कहिंदे कि घर आ जाओ, बड़े दिन हो गए। वो दौड़दे दौड़दे बेबे नानकी जी दे कोल आ जांदे, उन्हां दे कोल बैठ के गल वकड़ियां करके असीसां लै के माता सुलखणी जी नूं बेबे नानकी जी भी अपनी धी समझ के ते असीसां देंदे। वड्डे सन गुरु नानक देव जी नालों, वड्डे भ्राता सन, वड्डे भैण जी सन, छोटे भ्राता उन्हां तो गुरु नानक देव महाराज, और उन्हां दे अपने घर विच औलाद नहीं होई ते वो सारी ममता गुरु नानक ते माता सुलखणी तो सदके कर देंदे सन। उन्हां दे कोल बैठ के वो पिठ ते हथ फेरदे, गल नाल लाउंदे, भरजाई जीओ जीओ आया।
मैं को कोई सेवा चाह दसी है ते मात नानकी जी कुछ मूह ना कहंदे, मात सुलखणी जी कुछ मूह ना कहंदे, बस उन्हां दे अखां विच आंसू आ जांदे ते बेबे नानकी समझ जांदे भई भराओ जी कई दिनां तो घर नहीं आए, उधर गए हन, उन्हां दे दीदार बिना उदास हो गए ने। ते फिर उस संदेश भेज दे ते गुरु नानक देव आ जांदे ते आके आखदे परमेश्वर किए तो साडा वड्डे थां हुक्म चलदा है, तुहाडी गल वड्डे थां चलदी है, भाव बेबे नानकी जी कोल तुहाडी चलदी है ते असी उन्हां दा बचन मोड़ ना सकते। महाराज सच्चे पातशाह जद कई दिनों तक घर ना आवन, उन्हां दिनों विच माता चोणी गुरु नानक देव जी दे सत्कार योग सस मैता चंदो राणी ओ अपनी सबुत्री सुलखणी जी साडे सत्कार योग मात सुलखणी जी नूं पिनियां बना के होर साजो समान बस्तर लैके मिलन वास्ते आए ते देखिया बच्ची उदास उदास लगती है। इस साल संगत मां कोलों बच्चों का कुछ छुपया नहीं रहता ते पुछ लिया भई की गल है क्यों उदास है ते उन्हें आख्या कुछ ना बस रोन लग पे, गोदी च मां दे सिर रख के धी दे आंसू गिरन ते मां दे कलेजे ते वो किसी वड्डी तोप दे गोलियां वांगू लगदे। पुछया भी कुछ ना ते आके बेबे नानकी जी नाल सीधे लड़न लग पे माता चंदो राणी माता चोणी। माता सुलखणी जी दे माता जी बेबे नानकी जी नाल लड़न लग पे भई तुसां साडी धी को रवाए छड्या है। काफ़ी देर जद बोलते रहे ते अखीर ते बेबे नानकी जी ने हाथ जोड़े ते पुछया मासी जी सब कुछ तो घर विच आहे, नौकर चाकर है न, रथ है न, सारा साजो समान आहे, अपना सोहना महल आहे, भला किसे गलों विरवे आहे न, जो गहने हैं बैस्तर हैं सब कुछ तो आहे, कोई कमी तो ना आहे ना, जे कुछ असां ते गलती हो गई आहे तो तुसा माऊ समान आओ माफ चा कर छड़े, असां तुसाडे कोलों माफ़ी मंग लैंदे हैं। ते माता चंदो राणी फिर अपनी धी राणी मात सुलखणी जिया कोल आए ते सिर ते हथ रख्या गल नाल लाया गल वकड़ी कीती ते आख्या पुत्र सब कुछ तो घर विच आए, सोहने बस्तर हैं गहने हैं रथ हैं नौकर चाकर सारे सुख हैं ते सारा सुल्तानपुरा आ साडे जमात्रे की भाव जवाई जमात्रे की वड्याई पिया करे, जो किस गलों वेरवे आए हो मां सदके वंजे। तो उन्हें दे मूँह इतना निकल गया मां जी सब कुछ तो आहे पर तो साडा जमात्रा घर ना आउंदा, रात भर भी दुकान खोल कर बैठिया रहिंदा है, लोकां को वंडदा है, बहुत सुभागा है, असां की बोलने की हिम्मत ना पौंदी, होर तो कोई शिकायत आहे ना, सब कुछ तो आहे पर तो साडा जमात्रा घर ना आउंदा। ते माता चोणी फिर बेबे नानकी जी कोल आ गए ते आके कोल बैठे आखण लगे तुसां तां साडी बच्ची का जीवन रोल छड्या है, भला जे इसने संति बनना आहा ते वड्डा साधु बनना आहा तां विआह क्यों करवाया, घर ना आवदा। ते फिर बेबे सुलखण माता चोणी जी दे बचन सुन के बेबे नानकी जी ने सुनेहा कर आख्या भराओ जी असां को मिल जा भी है।
माता सुलखणी जी ने भी होर कोई बचन नहीं आख्या, आखण लगे वे छोड़ा सया नहीं जाता, घर नहीं आंदे ते मेरे कोलो आखण दी हिम्मत भी नहीं बनती भी घर आया करो, मिल जाया करो, मैं क्यों कर आखा। शिकायत होई ते बेबे नानकी कहण लगे असा भराओ जी को कल बुला भी, ते संदेश भेजिया भाई मरदाना जी आए, नाले भोजन लै गए नाले संदेशा लै गए कि अहो वै बाबा बेबे जी बुलावदे हैं। ते गुरु नानक आखण लगे जे बेबे जी बुलावदे पए ने फिर असा सारे काम छड़ के जांदे, साध संगत कोई गुरु नानक नूं बुलावे सही, असी ते होर मंत्रियां संतरियां नूं बुलाउंदे रहने, राजनीतिकां नूं होर लोगां नूं बुलाउंदे रहने आ, गुरु नानक आउंदे नहीं क्योंकि असी बुलाउंदे ही कोई नहीं। कोई बुलावे सही, गुरु नानक सारे काम छड के आ पहुंचदे, आ पहुंचे प्रसादा सकिया, बेबे जी ने हाथ धोए ते जद महाराज चलन लगे ते आखण लगे अहो वै वीर असा तुसा को वीर कर ना जाता, असा तुसा को खुदाए कर जाने आ। सा संगत खुदा करके वीर नू जानन वाली भैन होवे ते वो दुनिया विच बेबे नानकी है, ते वड्डी भैण नूं मां करके जानन वाला वीर होवे ते ओ गुरु नानक। आखण लगे असां को हुक्म चाह करी है, ते बेबे नानकी जिया ने अपने लिए औलाद नहीं मंगी, उन्हां दे घर औलाद नहीं होई सी, कोई बच्चा बच्ची उन्हां दे घर नहीं होया। आखण लगे वै वीर होर तां कोई गिला शिकवा असां कर ही ना सकदे, तो साडे दीदार ने साडे सब सिकवे वजाए छड़े आए न, ये जन्म साखी दी भाषा है, वजाए छड़े आए न, पर साडी एक गुजारिश आहे साडा मन प्या करे। ये नहीं आख्या भाई मासी जी ने ऐ किया जे कहंदे लड़ाई पै जानी, धन ने वो जड़े लड़ाई दे अवतार ने, किसी ने माड़ी जी गल आखी होवे ते अगों नाल चार ला के सुनाणगे, ते चार तां फिर थोड़ियां ने, पूरे कलाकार होंदे ने, झूठे जे अखां विच आंसू भी ले आउणगे, ते चार नहीं एक दे नाल हजार ला के सुना देणगे, ते चंगा भला स्वर्ग वर्गा घर कुरुक्षेत्र दा मैदान बन जांदा, घर दे सुख नूं आराम नूं अग लग जाती है। ये बचन ना आख्या भाई मासी जी ने आख्या या भरजाई जी दी है गल है, उन्होंने क्या होगा इहदा जिक्र ही ना किया, ते आखण लगे वै वीर असां झोली फैलाए तुसां कोलों कुछ मंगण लगे, ते महाराज ने हाथ पकड़ ले बेबे नानकी जी दे गल नाल लाया, आख्या तुसा ता साड़ी मां थां आओ, भला इस तरह क्यों आखदे हो, सब कुछ तो साड़ा ही है, जान सदके जीवन सदके है। ते बेबे नानकी आखण लगे वै वीर होर कुछ ना मंगदे, असां दा यह मन आहे कि तेंडा एक लाल चा खिडावीए, तेरा एक पुत्र सानू खिडाउण वास्ते मिल जाए। जन्म साखी दे बोल ने ता बाबा हसया, खिल खिला के हस के आखण लगे भैन जी ओ तुसा एक आखदे हो भला दो चा खिडावी, कोई कोई सिकवा गिला नहीं कदी आया। ते श्री मात सुलखणी जी ने गुरु नानक दा कदी बचन मोड़िया ही नहीं, एक अखर भी शान दे खिलाफ बोलना ता किधरे रह गया, सोचिया भी नहीं, पूरा सत्कार निरंकार जान के दिता, ते गुरु नानक भी रज के सत्कार देंदे। अज जद आसन विछा लिया प्याने की तैयारी हो गई तो श्री मात सुलखणी जी आ गए,
त्याग के परकर्मा करके कोल बैठे हन। मन अधीन हवै दीन तिन प्रदक्षण दीने। बड़ी निम्रता सहित उन्होंने तीन गुरु नानक दिया परकर्मा द्वाले द्वाले फिर के हाथ जोड़ के सिर चुका के कीतिया। रिश्ता भावें किन्ना ही गहरा होवे पर सत जानना गुरु दिया परकर्मा ही सिख करदा रहे ते ताई रिश्ता जुड़दा है, वरना गुरु नाल रिश्ता जुड़ना औखा होंदा है। लोचन ते जल दात बैठ की तभी समीपा। महाराज जिया दे कोल परकर्मा करके बैठ गए हाथ जुड़े हुए, कुछ आँख नहीं रहे पर नेत्रां चो जल दिया बूंदा गिर रही। महाराज ने भी देखिया ना। मुर जानी को देख पन्यो बेदी कुल दीपा। मुरझाया होया चेहरा देखिया मात सुलखनी जी दा सदा ही तक खिले रहे, खेड़े प्राप्त होंदे रहे, खेड़े वंडदे रहे, पर आज मुरझाए हुए ते महाराज सचे पातशाह जी ने देख के बेदी कुल दे रोशन मीनार गुरु नानक देव जिया ने आख्या। एक सिख जाहो श्री चांद टिक लक्ष्मी दास संकत जह। महाराज सचे पातशाह समझ गए भी ये चाहते की सा संगत सारी जिंदगी नाल रहे होवो, पति पत्नी का रिश्ता होवे ते फिर बिना बोलिया एक दूजे की गल ही समझ ना आए ते कादा रिश्ता है। बिना बोलिया ही समझ आ जाती है भैया गल है कि महाराज जी ने माल सुलखणी जी ने आख्या कुछ नहीं, अखां तो आंसू गिरे ने ते साहब समझ गए ने भई ये आंसू जिते साढ़े विछोड़े च भिजे हुए ने उत्थे नाल पुत्रां दी ममता विच भी भिजे हुए। ते आखण लगे कोल एक सिख बैठा है भाई सधारण नाम है, अखण लगे जाओ जिते श्री चंद ते लक्ष्मी दास कठे हन। जस पत लियाओ बुलाए तिन बोहर दर्स पावे सुने। जाओ उन्हां नूं झटपट हुणे ही बुला लियाओ ते नाले कह दियो भी मुड़के दीदार नहीं होना, हुण आ जाओ ते हुण मिल लवो। दोहरा सुन सेवक गमन्यो तुरत जाए कीर अरदास। सेवक महाराज जी का सिख सतगुरु जी की आग्या पा के झटपट उते पहुंच गए जिथे बाबा श्री चंद ते लक्ष्मी दास जी हन ते उन्हां दे अगे बेनती कीती है। तुम्हें बुलावत सतगुरु उठ चलिए तिन पास। आख्या गुरु पातशाह तुहानू याद कर रहे, तुहानू बुला रहे ने ते चलो उन्हां दे कोल। समा समावन को अबै मिल ली जै तिन साथ। क्योंकि उन्हां दे ज्योति ज्योत समाउण दा समा आ गया, तुसी मिल लो उन्हां नूं जाके याद कर रहे हन ते धन धन माल सुलखणी जी भी तुहानूं याद कर रहे हन। शहो जे कुछ बोलो सुनो धरो चरण परमाथ। और इस तरह दे नाल उना नाल कोई बचन कर लो, कोई उना दा बचन सुन लो ते जांदी वार चरना ते शीश रख लवो। दोहरा बदन बेहस कै बच कै दिवस सपतमी जैस। सा संगत बालक बालक ही होंदे, ओ माता पिता दिया गंभीरतावां माता पिता दे हिरदे दिया गहराइयां उन्हां दियां भावनावां नूं कई वारी समझण विच असफल हो जांदे, क्योंकि लाड बड़ा मिलिया हुंदा प्यार बड़ा मिलिया हुंदा इस करके कई वारी समझदे नहीं। और उन्होंने भी हस छड्या अगो छड सुन के भई कई दिनों तो यही कह रहे ने अज समा जाना है अज समा जाना है, अज भी उही काम कर रहे हन। हम है बुलावत है अबे आज समाव है तैस। अग्गे जिवें पहला समाउण दी गल करदे रहे सत दिन हो गए ते अज भी उस तरह ही कह रहे हन। सोरठा नह आए ते काल जान है मानव आन ज्यों। ओ उस वेले महाराज जी दे बुलाउण ते भी नहीं पहुंचे, क्योंकि महाराज सचे पातशाह नूं आम पिता वांगू
आप मनुख वांगू समझ रहे हैं ना। एक अंकार कृपाल रूप धरियो नह जानई। भई ये समझना सारियां लई औखा होंदा, ते रिश्ता इना नेड़े दा होवे फिर समझना औखा होंदा। सियाणे लोग कहंदे ने भी महापुरख दे कोलों उहदे परिवार दे जी लाभ नहीं लै सकदे, ओह उही समझदे। ते जिहड़े लंगोटीए दोस्त होंदे ने ना वह भी लाभ नहीं लै सकते, नाल कम कार करन वाले वो भी आत्मक लाभ नहीं लै सकते। बस वो यही समझते ने भी कल तक तो साढ़े नाल नहर च छाला ही मारदा रहे, कट्ठे छप्पड़ा विच नहाउंदे रहे हैं, पता नहीं लोगों के सिरे ने की पाया मत्थे टेकी जाते। कल तक तो यह होंदा रहा। इस तरह बच्चे भी महापुरखां तो कई बार लाभ लैण तो वांझे रह जाते, आम पिता दी तरह समझ रहे हैं। दोहरा सुन कै तिनके बचन को सिख आयो गुरपास। अरे ना समझना भी गुरु नानक दे बच्चियां दा सत्कार कोई नहीं, पता नहीं अनंत जन्मां दी असी समझने हां, मेहर होवे बख्शिश होवे तां गुरु दे चरण कमल स्पर्श स्थान दा दर्शन ही आउंदा। थोड़ी पता नहीं किन्नी बंदगी है जो थानू महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का सचखंड तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहब विखे दीदार प्राप्त हो रहा है। ये थोड़ी बंदगी नू फल लग्या है। जिमें दीवा जल रहा है ना तो उहदी बड़ी कमाई है। पहले मिट्टी नू कुम्हार ने गोया है, भिओया है, फिर उहनू चंगी तरह पकाया है, फिर तेल किवें एक एक दाणा पीड़ के निकलिया, फिर वट पई है रूह निकलिया, तो फिर उस ते अग्नि की सिखा जली तो वह रोशन मीनार बन गया। इस तरह जो तुसी आज बैठे हो ये दीदार की रोशनी प्राप्त हो रही है, ये पिछे पता नहीं तुहाडी किन्नी बंदगी है, पता नहीं कितना जप तप है। मैं अर्ज करा जे साडी महाराज जी दे दीदार की बरकत ही जप तप तो बिना नहीं मिल सकती, फिर गुरु नानक का वंश होना, गुरु नानक दे घर पुत्र लहो के जन्म लेना, यह बिना बंदगी तो हो सकता है। बहुत सम्मान योग हन। सुन कै तिनके बचन को सिख आयो गुरपास। महाराज सच्चे पातशाह जी दे बच्चों के बोल सुन के जो हस के उन्हें कह दिता सिख महाराज जी कोल आ गया। जेह बित तिन उत्तर दियो करत पयो अरदास। जो उन्होंने उत्तर दिता सी महाराज जी दे कोल बेनती कर दिती। श्री गुर सुन तू सन रहे बैठे सभा मजार। एक बारी आखो धन गुरु नानक देव जी महाराज। महाराज ने कोई तलख बचन नहीं आख्या भई नहीं आउंदे ते ना आउण, उन्हां दी मर्जी, ये भी नहीं आख्या। ते तूसन रहे चुप रहे बोले कुछ नहीं, क्योंकि महाराज जानते ने जो बोलिया जाना है वो हो जाना है, ते जो बोलिया जाना है वो नाल साडे प्राणा तो प्यारी सुपत्नी सुलखणी जी का हिरदा भी दुख जाना है। इन्हों का हिरदा क्यों दुखाना होया, इस करके कोई बचन ना बोलिया ते खमोशी तारी रही। वेद शब्द धुन हवै रही दरसै लोक हजार। ब्रह्म ज्ञान शब्द दी धुनी कीर्तन हुंदा रहा ते हजारा ही लोग महाराज जी नूं नमस्कारां कर रहे हन। सवैया करुणा गुर जाच सदा सुखदा मन केर विकार करो हर ना। भाई साहब कहंदे गुरु कोलों सदा ही मेहर दी दात मंगो, क्योंकि मेहर प्राप्त हो जावे ते मन दे विकारां दा नाश हो जांदा है। हर ना भजनो पव को करता महिमा गुण कै पर हो सरना। ये कुछ नुस्खे दे जेड़े पाठ दे ना उन्हां विच पंक्ति थोड़ी वखरे तौर ते आई, हर ना भजनो पव को तरना, इत्थे पव को करता लिखिया होया, महिमा गुण कै पर हो सरना। पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम जपण नाल संसार सागर तो पार हो जाईदा है। सरना मन अनहंकार तजो थिर होत नहीं तन मैं तरुणा। और इस तरह दे नाल मन का हंकार त्यागना,
ते जे हंकार ना त्यागया जाए फिर मन थिर नहीं होंदा ते संसार सागर तो पार नहीं उतरिया जांदा। तरना जग सिंध सुखैन चहु कहना लख बाद गहु करना। और इस तरह दे नाल जे संसार सागर तो पार उतरना चाहुंदे हो ते फिर निरियां फोकियां गल्लां छड़ दियो ते गुरु दे बचना नूं अनुसार करनी धारण करो। दोहरा सिर गुर दर्शन देव ही सात रूप घन ज्ञान। महिमा दे मालक गुरु नानक देव जी दर्शन बख्श रहे हैं, शांति दा रूप हैं और ज्ञान दे बुखारात हन। तेचन आए सदारना बोले वो पंदे पान। उस वेले महाराज जी दे चरणां च भाई सदारण जी हाजर होए ते हाथ जोड़ के बेनती कीती है। चौपाई चंदर मृग मद सकल कसाए। अच्छा सचे पातशाह जिवें आप जी ने आग्या कीती है कस्तूरी आदक सुगंधियां मिला करके कसाइयां पांत घर को छिड़काए। जिवें आप जी ने आग्या कीती छिड़काओ कर दिता है सारा। सगरो अजर सो लीप बनायो। जिवें आप जी ने आग्या कीती सारा वेड़ा भी लिंब दिता है। पुराने जमाने च लेपन होंदा सी, अजकल पक्के फर्श ने पोचा आदक लग जाता है। उन्होंने दिनों में लेपन किया जाता सी। महाराज मैं सारा आप जी की आग्या मुताबक लेपन पोछन कर आया हाँ। सब सुगंधनी के महकायो। हर तरह नाल सुगंधी नाल घर का कोना कोना धर्मशाला का महक रहा है। रावर की रजाए जह थाई। जेड़ी जगह आप जी दे बचन कीता सी रजा वर्ती सी तहां मृदुल भो कुसा डसाई। महाराज सच्चे पातशाह उत्थे बहुत मुलायम कुसा जेड़ी है विसाई गई। ये कुसा शब्द ना कुसा दब होंदी है घा होंदा, उनू ब्राह्मण लोग बड़ा पवित्र मनते हैं पर आम करके वो विछावणियां दे विच कम आउंदी। जिवें नारियल दा जिहड़ा फोग है ना खोखल उतला वो ला के ते गद्दे भरे जांदे ते हुण जे कोई आखे भी नारियल थले विछा लिया ते इस ते कोई इतराज़ करे भी नारियल तां ब्राह्मणां दा हैगा सिखां दा नहीं हैगा ते साध संगत नारियल कोई ब्राह्मण दी गिच्ची च थोड़ी लगदा है, दरखत ते लगदा है, सारिआं दा है, कोई भी छक सकदा है। कुसा दा आसन कोई भी विछा सकता है, नारियल दे गद्दे कोई भी विछा सकता है। इहो जिहियां मामूली मामूली गल्लां ते एवें तनज करना ये अपने फोके ज्ञान का प्रगटावा करना। अज भी इस पिंडां विच मैं देखिया है जब कोई दीवान लगता है वड्डे समागम होंदे ने ते गन्ने की जिहड़ी सोई होंदी है ना वह थले विछा के या धान की पराली विछा के उत्ते चादरां विछा देंदे। वो इसलिए कि संगत ने देर तक बैठना होंदा ते निरी चादर या निरी दरी उन्हें मुलायमपन नहीं दे सकती जिन्ना वो घा आदक पा के बनाया जाता, पराली या सोई पा के या कुशा पा के बनाया जाता है। अस कहै ते ओ गद गद भी बानी। नाले बचन आखे ते नाले भाई सधारण दा कंठ पाराया। लोचन ते जल धार चलानी ते अखां तो जल धारा भी चलन लग पई। कितक सिख तब ठांडे दर्शन। इंतहा सिख दूरों कुछ बैठे हन नेड़े कुछ दूर दराज तो खड़े होके दर्शन कर रहे हैं। बैठे केतक दर्शन परसें। कुछ महाराज जी दे चरणां च इस तरह जिवें आप सारे बैठे हुए हो बैठ के दीदार कर रहे हैं। सुन के सबहिन करुणा ठानी। सारिया ने भाई सधारण जी का रोना सुन के ना उन्हां दे नेत्रां जल देख के ते सारिया नूं बैराग तारी हो गया भई महाराज शरीर त्यागन लगे हन। छुटत भयो द्रिग ते बहु पानी। और सारी संगत दे नेत्रां चों बैराग दा जल जान लग पिया। करुणा रस बहुत शरीरा। इस तरह बहुत सारे शरीरां चों करुणा रस माने अखां चों जल वगण लग पिया। अरे बेसूरत होए अधीरा। सा संगत भावें कितना खूबसूरत चेहरा होवे ना ते रोण लग पे
ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਘਨ ਪਿਕ ਸਭ ਤਾਈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮਿਰਧੁ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਬੜੇ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਿਠਾਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਥਾਹ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰੇਠੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਕਿ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਰਾਜਗੀਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌੜਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸੁਖਣੇ ਦਹਾਨੇ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤੁੰਗੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾ ਬਾਸਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈ ਮਿਸਰਾ ਕੇ ਗੁਪਤਮ ਈ ਖੂਬ ਤਰ ਨਾ ਬਾਸਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਾ ਲਿਆਵੇ ਸਰਬਤ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਂਡਾ ਮੁੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਤਨਾ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਰਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਚਨ ਮਿੱਠਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨ ਸਨੇਹ ਸਭ ਝੂਠੋ ਜਾਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਬਿਖਾਦ ਇਹ ਤੋ ਮਨ ਠਾਨੋ। ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬਿਖਾਦ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਦੇਹ ਮਿਲਣ ਵਿਚਰਣ ਇਸ ਭਾਂਤੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਭੂਤ ਦਿਵਸ ਪੁਨ ਆਵ ਹੈ ਰਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੰਡ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਬਹੁਤ ਭਾਵ ਭਿੱਜਿਆ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ
हरपाल सिंह भाटिया जी नू एसोसीएट मैंबर दे तौर ते तखत पटना साहिब सेवा लई नाल लिया है। और मैं बेनती भी करांगा सत्कारयोग प्रधान जी नू भी उन्हां दा सन्मान तखत साहब वालों किया जाना है, पर उस तो 5-7 मिनट पहले जरूर वो अपने मधुर बचना नाल संगतां नू निहाल करनगे। फिर सारे असी मिल के भाई हरपाल सिंह जी भाटिया जी का तखत साहब वालों सन्मान करांगे। एक मिनट वास्ते सारे महामंत्र गुरमंत्र दे जाप नाल जुड़िए। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। समूह संगतां दियां हाजरियां प्रवान करो, दरों करों हर प्रकार दियां बरकतां नाल नवाजो। सही प्यारे मिलो जिन्हां मिलिया नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ जी सतगुरु की हजूरी च बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी, तुसी बड़े एकागर चित हो गए कथा सरवण कर रहे सी। तो कथा भी वो है कि सतगुरु नानक सच्चे पातशाह जगत गुरु जी इस संसार तो प्याना करन दी दर्दनाक कथा है, बड़ी विरागमयी कथा चल रही है। तो उस तरह कथा हो रही है, तो उस तरह तुसी सुन रहे हो। वड्डे भाग है तुहाडे संगत दे कि जिन्होंने कथा में हिस्सा लिया। सारे गज वज के फतेह बताओ पहले वाहेगुरु जी का खालसा। सारे गज वज के फतेह बताओ पहले वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिंह साहब कथा करते उन्होंने बड़ा माता सुलखण जी बारे जे सामने गल्लां कहीं बचन कहे आ, ये आम जगह तो नहीं मिलते कहने वास्ते सुनने वास्ते। कहण का भी फर्क होंगे, गल वो ही होंगी है। बहुत बड़ी गहराई में जाके उन्होंने केस न उस साके पेश किया उन्होंने जानदार संसार तो। मैं सिर्फ इन गल कहनी अगे कई बार कह दिए लोग जिदा हमने कथा में आया कि बाबा श्री चंद भाई बाबा लक्ष्मी दास आए ही नहीं उस वे। मैं ये समझना ये सारा कारण आप ही करने वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सन। जेड़े लोग कई बार कहते सारे गुरुद्वारे कई जगह हैगी उत्थे कई जी बाबा श्री चंद जी असी की जाना जी, असी तो इतने नहीं जाना जी। साढ़े उत्थे दिल्ली मैं देखिया पता गुरु नानक साहब का परिवार होए वो बच्चे होन, तो जे वो अपने बच्चे नहीं लैके तो फिर लैके किनू किया उन्हें? उन्हों का तो कोई मुकाबला ही नहीं। बाबा श्री चंद की काबलीयत मैं दसदा कि जिस सुखमनी साहब नी पढ़ते हैं रोज जी अमृतमई बाणी पंचम पातशाह ने उच्चारण की ये बाणी 16 अष्टपतियां जाकर रुक गई, इन्हें चली अगे। तो गुरु अर्जन देव पंचम पातशाह चल के बाठ साहब गए उत्थे गुरदासपुर दे लागे बाठ जिथे बाबा जी का स्थान है, उत्थे जाके बेनती की उत्थे वो समाधि में सन
तो महाराज खड़े रहे, समाधि खुली, मिले मिलाप होया, दर्शन होए दोवां महापुरशां दे एक दूजे नूं। तो उत्थे महाराज ने बेनती की कि महाराज बाणी नहीं चल रही अगे, तो बाबा श्री चंद ने गल कही सी उत्थे आदि पाष्टपदी पढ़ते हो तुसीं, आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। ये बाबे श्री चंद ने तोरी तो तुर पई, तो नाल उन्हें यह भी कहता कि बाणी भाई तुहाडा खजाना है, ये गुरु नानक ने तुहानू बख्श किया, अचार हो गए तुसीं, पर असीं इहदी चाबी ला के खोल दित्ती आ। एडे महापुरश सन, हो कोई अंत नहीं। गुरु नानक साहब तो बाद जिन्ना प्रचार उदासी मत चलाया उन्होंने, तो उदासी मत का प्रचार इन्ना होया जो सिक्खी संभाली पिछों किसी ने तो इन्होंने नहीं संभाली आ। सारा सिक्खी का प्रचार, गुरबाणी का इन्ना प्रचार किया इन्होंने, इन्ना गुरबाणी की संभाल की। अज तुम दूर की जाना पंजाब में छोड़ो, तुम बिहार में ही चले, इतने जगह जगह इतने गुरुद्वारे बने पे, हजारा एकड़ जमीन ना लगिया हुई हैं, और उत्थे कौन बैठे? उदासी बैठे ने, साधु पुराने बैठे ने, हजार साल तो सैकड़े साल तो बैठे ने इतने, और उत्थे अज हम कल उत्थे मना रहे अपना रियोली महाराजा, आए दिन कल मनाया जा रहा। वो सारे महंत ने पुराने, वो उदासी पंथ वाले जिहड़े, उन्होंने हुण तक बाणी संभाल रखी है, तो बाणी का प्रचार किया करवाया, बहुत वड्डी देण है उन्हां दी। ते जिदन गुरु नानक साहब तो बाद जदों जिहड़े सीगे बाबा श्री चंद जी जाण लगे ना संसार तो, 150 साल उम्र सी उन्हां दी, सब तो वड्डी उम्र दे होए आ उस सिख पंथ दे विच। ते बाबा माणक चंद नाल सी उन्हां दे, पड़पोते गुरु नानक साहब जी दे, ये नाल जा रहे सी। तो जो तुरे जाते दो जने संगत बैठी चुप करके उठ के तुर पाया उतों, तो तुरंत तुरंत जाते माणक चंद नूं कहा, माणक चंद असीं चले हाँ, आवाज़ सुनिया आ गया भाई तुसीं वापस आ जाओ, तो तू हुण जा वापस, तो पिछा मुड़ के ना देखी तू जा। तो एक गल मेरी याद रखी साड़ी कि गुरु नानक नूं किते अपना बाबा परदादा दादा ना समझ बैठी, वो पार ब्रह्म परमेश्वर करके जानना उन्होंने, वो आप नारायण कला तार सन। ये गल उन्होंने कह के तो उन्होंने भी वापस भेजा सी, बहुत सत्कार सी, सब कुछ सी सी। ये समय का पता नहीं उन्होंने कौन दिए, तो उन्होंने करे करावे आपे आप मान सके कि जना ही आप, वो व्याकला अकल वाले बना, कीड़ा थापद पातशाही लश्कर करे सवाह, नदियों में बुखारे टिब्बे थली करे सका, वो तो आप सब कुछ कर कराने वाले सन। बड़ी वड्याई है बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी चंद जी, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने, इको एक सतगुरु सच्चे पातशाह होए, जिन्हें सुल्तानपुर की धरती तो लैके कितने जाके बगदाद ते मक्का मदीना रोमेन टर्की इराक तुर्कस्तान अफगानिस्तान जगह, उत्थे कोई रिश्तेदार बैठे गुरु नानक साहब के, उत्थे कोई बरादरी बैठी सी, इत्थे आया सालसरा गुरु नानक साहब का कोई रिश्तेदार सी, इत्थे कित्थों चले, इत्थे आके सालसरी हवेली लभ रही, इत्थे आके पहली मंजी थापी, इत्थों प्रचार की पूर्व की पछम की पहली मंजी इतने थाप के, तो हूँ मंजी का अधिकार अधिकारी सालसराय बनाया, उस तो बाद रखा वह नौकर से उन्होंने बनाया। इस गुरु नानक दी वड्याई तो कोई अंत ही कोई नहीं, अंत ही नहीं। मानवता जगया उन्होंने, मानवता बंदे नहीं जगया उन्होंने। इस करके अज उन्होंने कथा जी चल रही है, बड़ी वधिया मिठी तो दर्द वाली चल रही है, इस तरह जी चलती रहनी है, क्योंकि आ दिन ही वह रहा हो जाए। सो इस करके मैं 2 मिनट वास्ते 2 बचन किए थे। सरदार हरपाल सिंह जी भाटिया साढ़े अंदौर तो, मैं उन्होंने बेनती करूँगा कि वो स्टेज पर आन, और सिंह साहब जी बेनती करूँगा कि तख्त तो लाने का माण सन्मान किया जाए, क्योंकि ये लोग ने जिन्होंने सेवा करनी, अगर बोर्ड ने पास करके उन्होंने अपना एसोसिएट मैंबर थापिया, और बड़े सेवा पंथी ने, सेवा करने वाले ने, गुरु घर जुड़े हुए ने, आप अज तो नहीं प्यो दादे तो लैके पुराने, इस करके उन्होंने बख्शिश की आ। तो मैं सिंह साहब भी कहूँगा जी तुम यहाँ मान सम्मान करो। Oh,
बोले सोनिहा बोले सोनिहा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, इंदौर दियां संगतां ने 15 अक्तूबर अगला महीना जिहड़ा उहदी 15 तरीक रात अते 16 तरीक सवेर नूं तखत पटना साहिब नूं समर्पित होंदिआं गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल जो प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है उसके संबंध में सद्दा पत्र समागम उत्थे रखे गए हैं। तखत साहब जी के सारे ही प्रबंधक जनरल सकत्तर सरदार इंद्रजीत सिंह जी टाटा नगर वाले, मुख्य सेवादार जथेदार अवतार सिंह जी हितदास, सरदार हरबंस सिंह जी खनूजा, तकरीबन सारा ही प्रबंधकी बोर्ड जड़ा उत्ते पहुँच रहा है। लागे लागे दिया सारिया संगतां, झरनिया है, खिड़किया है, खरगोन है, खंडवा है, ओंकारेश्वर है, होर जिहड़े लागे लागे स्थान ने वह सारिया संगतां भी 15 तारीख रात और 16 तारीख सवेरे दे समागमां विच खालसा जी चैनल नूं सबसक्राइब करन तों बाद आल नोटिफिकेशन नूं जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन की हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। वीडियो नूं लाइक करना ना भुलना जी।